तो भाई इस टाइम पर रीमेक की इतनी वाट लगती जा रही है, फिर भी बॉलीवुड को नहीं समझ में आ रहा है एटलीस्ट उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आओ अब एक और रीमेक की बात करते हैं, एक और रीमेक सही। तो आज आया यानी कि भोला का, यानी कि भोला का ट्रेलर, यानी कि भोला का टीजर, यानी कि जो अजय देवगन की फिल्म है उसका टीजर। तो उसका टीजर आज आया और सभी ने देखा, और उसको देखने के बाद ऑलरेडी ऐसा कंटेंट पहले देखा जा चुका है, यानी कि आप सही समझे कैथी मूवी। कैथी मूवी यानी कि सूर्या के भाई कार्थी की मूवी कैथी का एक रीमेक। मतलब अजय देवगन सर इतने रीमेक कर लिए, अब एक और रीमेक देने चले हो। हैव यू इमेजिन व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट पीपल वांट। एक कैथी का रीमेक आप हमको दिखा रहे हो भोला, वो भी जान रहे हो 3D में। क्यों 3D में? इनकी एक वजह है, अरे पब्लिक जो है MCU की मूवीज 3D देखते हैं, DC की मूवीज 3D देखते हैं, IMAX देखते हैं, तो क्यों ना हम भी 3D बनाएं। 3D का जो ट्रेंड है ना, सिर्फ एक पैसे कमाने का ट्रेंड है गुरु, और कुछ नहीं। दिल से बोल रहा हूँ। और टीजर में हमको देखने को क्या मिल रहा है? टीजर में वही देखने को मिल रहा है यानी जो कैथी में दिखा गया था। एक छोटी सी लड़की थी और उससे कोई मिलने आने वाला था, जैसे कि पुराने ट्रेलर में मानू यानी कि पुराने मूवी में दिखाया था, सेम एट इज इट। और भोला पांडे यानी कि हमारे भोला बैठे हैं जेल में और पढ़ रहे हैं कथा, और उनका नाम कोई नहीं जानता, उनसे सब कोई है डरता, यानी कि सेम एट इज इट कैथी। मतलब अब ये कैथी लाए हैं, अब हो सकता हो कुछ दिन बाद रोलेक्स आए, फिर कुछ दिन बाद विक्रम आए। मतलब इनका माइंड सेटअप तो एक ही है कि विक्रम यूनिवर्स, मतलब जान रहे होंगे लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक इतना अच्छा यूनिवर्स बिल्ड किया हुआ है। ऑलरेडी हमने इनके सारे कैरेक्टर्स के गैंगस्टर्स को देखा हुआ है, देन व्हाई वी वांट टू सी हिम एट सिनेमा, क्यों देखने जाएंगे, उनको ये लगता है। पर देखिए अभी तो फिलहाल ये टीजर है, मैं चाहता हूँ कुछ इसमें नया हो। ऐसे मान लीजिए भोला आपने ऐसा कैरेक्टर बनाया, तो अपना कोई एक अच्छा यूनिवर्स बिल्ड करिए, ना कि सेम एट इज इट विक्रम यूनिवर्स के जैसा। अभी आपने कैथी बनाया है, फिर आप विक्रम बनाएंगे, फिर आप सब बनाएंगे, मतलब आप सिर्फ रीमेक ही करना जान रहे हैं। आपने दृश्यम की रीमेक की क्योंकि आप पे वो सूट करता है, वो कैरेक्टर दृश्यम का, यानी कि विजय सलवानकर कैरेक्टर आप पर सूट करता है, ना कि कैथी। कैथी तो सिर्फ एक ही है, वो मैं जानता हूँ, वो कार्थिक हो, और कोई कैथी हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। ही इज अ परफेक्ट गाय टू प्ले कैथी, और वो बंदा विक्रम यूनिवर्स की मूवीज में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में, मैं लिख के देता हूँ। और हाँ भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड इस तरीके की टीजर रिव्यूज, चैनल रिव्यूज, मूवी रिव्यूज टाइम पे पाने के लिए सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड तुमको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, शकील बोतला के नाम से तुमको मेरी ID मिल जाएगी। एंड सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक, नहीं तो वेट करो, अगली वीडियो मुलाकात होगी बहुत जल्द। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।